तो 4 लाख के लोन लेने पर आपको 1,70,000 का सब्सिडी मिल सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन बिल्कुल आसान है। आइए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देखेंगे आप किस स्कीम के तहत इसका लाभ उठा पाएंगे। आपको आना है jansamarth.in पे, जहाँ पे गवर्नमेंट से जुड़े जितने भी लोन की स्कीम्स हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, और साथ ही आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर सभी कंडीशन मैच हुआ तो आपको यहाँ पे डिजिटल अप्रूवल भी मिलेगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर पाएंगे। तो ये कुछ पूरा वर्क है इस वेबसाइट का, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने 6 जून 2022 को लॉन्च किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये लोन से जुड़े जितने भी स्कीम हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी बात करूंगा एजुकेशन लोन के बारे में। तो जिन्होंने भी एजुकेशन लोन लिया है या लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि यह जानकारी सबको मिल सके। तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्कीम्स पे, फिर एजुकेशन लोन पे, फिर यहाँ पे देख सकते हैं CSIS सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं इस स्कीम का। उसके बाद कुछ कंडीशन है इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए, जैसे कि आपके फैमिली का इनकम 4.5 लाख से कम होना चाहिए। उसके बाद आप जहाँ से भी कोर्स कर रहे हैं वो NAC NBA CFTI से रेगुलेटेड होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे व्यू लिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। या नहीं तो जब आप एजुकेशन लोन अप्लाई करेंगे उस टाइम भी आपसे बैंक मांगा होगा, या नहीं तो आप कॉलेज की तरफ से भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट का क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया है। मीन्स आप कितने भी अमाउंट का लोन लें, आपको 10 लाख तक का ही सब्सिडी मिलेगा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेरी है आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे आप स्टडी कहाँ पे करेंगे, जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो चलिए मैं यहाँ पे विद इन इंडिया कर लेता हूँ। उसके बाद आपका फैमिली एनुअल इनकम जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन 4.5 लाख से कम होना चाहिए तो ही आप इस स्कीम में एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी और कौन सा कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद लेंथ ऑफ द कोर्स 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर जो भी है आपका यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका टाइप ऑफ कोर्स फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, या डिस्टेंस लर्निंग है, या कोई और, तो चलिए ये फुल टाइम है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर योर कोर्स फी, मीन्स आपका जितना भी टोटल फी है उस कोर्स के लिए आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोर्स में अपने तरफ से कुछ भी इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं 5 लाख मैंने कोर्स फी लिखा और 1 लाख मैंने खुद से लगाया, तो मेरा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट हो गया 4 लाख रुपये। तो मुझे इस 4 लाख के लोन पर कितना सब्सिडी मिलेगा और कितना EMI देना होगा, यही सब देखेंगे आगे हम लोग। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोन अमाउंट 4 लाख का है और सब्सिडी अमाउंट यहाँ पे मिलेगा 1,70,000, और मंथली EMI देख सकते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, यहाँ पे अप्रोक्स दिया हुआ है। और यहाँ पे लोन का टेन्योर मैक्सिमम 20 ईयर है, मीन्स 20 साल के अंदर इस लोन अकाउंट को क्लोज कर लेना है। तो आपको यहाँ पे जो सब्सिडी मिलता है वो कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, उसमें जो भी इंटरेस्ट लगेगा उस 5 साल के दरमियान, जैसे अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन 4 ईयर है प्लस 1 ईयर, मीन्स 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसे हम मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। तो इस 5 साल में आपके इस लोन अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो सरकार बैंक को दे देती है, और वही आपका सब्सिडी अमाउंट होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेट करके बताया गया है। और कुछ कंडीशन है, जैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा 4.5 लाख से कम का, तो ही आप इस स्कीम में एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये सभी कंडीशन है इस स्कीम के लिए। यह पोर्टल 6 जून 2022 को लॉन्च किया गया है, ताकि स्टूडेंट खुद से अप्लाई कर सके इस स्कीम के साथ और सब्सिडी अमाउंट क्लेम कर सके अपने बैंक अकाउंट में, ताकि जब वो अपना EMI स्टार्ट करे तो अधिक बर्डन ना हो, क्योंकि सरकार निर्धन छात्रों को मदद करना चाहती है। जब ये स्कीम ऑनलाइन नहीं था तब सिर्फ बैंक के पास ही ये अथॉरिटी था कि इस स्कीम को स्टूडेंट के बिहाफ में अप्लाई करें, लेकिन इस स्कीम से जुड़े बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, क्योंकि बैंक ने स्टूडेंट के बिहाफ में नहीं अपने बिहाफ में अप्लाई किए और सारा पैसा स्टूडेंट का अपने खाते में मंगा लिया, ताकि बैंक अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बैंक को अथॉरिटी दिया गया है अब स्टूडेंट को भी वो अथॉरिटी है कि वो खुद से अप्लाई कर सके। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ के बटन को, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना इंटर करके रजिस्टर करेंगे। उसके बाद अगर आपने लोन लिया हुआ है तो यहाँ पे लोन अकाउंट से जुड़े जानकारी आपको मांगा जाएगा, आपका लोन अकाउंट नंबर, आप किस कॉलेज से हैं, कुछ इस तरह से आपको डिटेल्स मांगे जाएंगे, फिल करना है और फिर सबमिट कर देना है आपको एप्लीकेशन। तो ये अप्लाई ऑनलाइन करने का प्रोसेस है। उसके बाद आपको
अप्रूवल भी मिलेगा अगर सभी कंडीशन मैच होंगे तो। अप्रूवल होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो कुछ ये पूरा प्रोसेस है CSIS का एलिजिबिलिटी चेक करने का। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि जानकारी सबको मिले कि सरकार हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ बैंक कर्मी अपने फायदे के लिए इस योजना से छात्रों को वंचित रखते हैं ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखें।